हेलो बच्चों, तो लास्ट वीडियो अगर आपने एंड तक तो पूरा देखा है, थोड़ा सा लंबा था है ना। चलो, अगर लास्ट वीडियो अगर आपने पूरा देखा है तो मैंने एक क्वेश्चन वहां पे छोड़ दिया था कि क्या हमने देखा कि अपहन चाल जो है वो बहुत कम है, 10^-4 या 10^-5 मीटर पर सेकंड है। और उस गति से अगर इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है, घूम रहा है, तो फिर बल्ब को जलने में टाइम लगना चाहिए था ना, आधा एक घंटा जितना भी टाइम लगता वो टाइम बहुत ज्यादा होता देखा जाता। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हम स्विच ऑन करते हैं उतनी देर में बल्ब ग्लो करने लगता है, फैन चलने लगता है, या भी जो भी इक्विपमेंट हम चला रहे हैं उस स्विच से, वो उसी समय काम करना चालू कर देते हैं, फंक्शन करना चालू कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है ये मैंने पूछा था, यही था। चलिए, ये सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, अगर आपने सोचा होगा, मैं इसको सिंपल वे में ही बताने की कोशिश करूंगा। हालांकि रीजन इसका जो क्वांटम फिजिक्स से दिया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से इसको बताया जाता है, लेकिन इसे उस लेवल पे ना जा करके अपन सिर्फ इतना समझ सकते हैं। देखिए, समझिए, बहुत लॉजिक अगर देखें इसके बीच में, तो बुक्स में इस एग्जाम्पल को ऐसा देखा जाता है कि अगर ये कोई पाइपलाइन है बच्चों, है ना, ये कोई पाइपलाइन है और इस पाइपलाइन से अपन को वाटर को फ्लो करवाना है, ठीक है, और ये पाइपलाइन जो है वो किसी भी नल से कनेक्टेड है। ऐसा मान लो कि यहाँ पर कोई नल है जिससे ये क्या है, पाइपलाइन कनेक्टेड है। तो जैसे ही हमने नल के वॉल को खोला और शुरुआत में कोई भी पानी इस पाइपलाइन में पहले से था नहीं, है ना, यहाँ पर कोई पानी है नहीं, तो क्या होगा, जैसे ही मैंने नल को खोला, ये टैंक से जो ये कनेक्टेड है, उस टैंक से वो पानी जो है, वो टैंक वाला पानी इससे होता हुआ कहाँ जाएगा, आगे की ओर जाएगा, ठीक है। और हमें ये पता चलेगा कि जब मैं इस नल को खोलता हूं और इस पानी को यहां से लेकर यहां तक आने में कुछ फाइनाइट टाइम लग जाता है, लाइक सपोज कीजिए 3 सेकंड मान लेता हूँ या 10 सेकंड मान लो, जितना भी टाइम मान, ठीक है, इतना टाइम लग जाता है पानी को यहां तक बाहर आने में। तब टाइम लगता है कि आपने वॉल खोला और टैप से पानी बाहर आने में थोड़ा टाइम लग गया, ठीक है। लेकिन समझना इस चीज को, अगर इस पर्टिकुलर पाइप के अंदर पहले से ही पानी होता, है ना, ये पानी पहले से ही यहाँ एग्जिस्ट कर रहा होता, यहाँ पर पहले से ही पानी होता, तो क्या होता, है ना। अब पानी कुछ, इसको ऐसा मान लो कि सर ऐसा रखोगे तो पानी बुड़ जाएगा, ये लो मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ, अब बताओ, ठीक है, इसको ऐसा कर लिया। तो अब अगर इस पाइपलाइन में पहले से ही कोई पानी होता, ठीक है, पानी पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है, ये पाइपलाइन जो ये फिल्ड है पानी से, हो सकता है ऐसा, पाइप के अंदर पहले से पानी हो सकता है अभी। फिर हमने क्या किया, इस टैप को ओपन किया, फिर इसे खोला, क्या हुआ, जैसे ही हमने खोला उसी समय वहां से पानी बाहर निकल जाता है, ठीक है, जितना पानी यहां से आया उतना का उतना पानी वहां से बाहर निकल जाता है, होता है नहीं होता है। ये सेम कॉन्सेप्ट हर एक वायर के अंदर काम करता है, वायर में यही कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, ठीक है। वायर के अंदर ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वायर के अंदर यहां पर थे, ऐसा नहीं, पूरे वायर के अंदर क्या है बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम इस वायर की बात करते हैं और इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ही था या फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, ऐसा नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन तो पूरे वायर में बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो जैसे ही अगर हमने, ओके मैं इसे बल्ब से ले लेता हूँ, तो पूरे कनेक्टिंग वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत सारे हैं, है ना, और ये बल्ब बने बना दिया, ठीक है। तो ये पूरे वायर के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हर जगह है बच्चों, हर जगह, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पर इलेक्ट्रॉन्स थे, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि इससे निकलने वाला इलेक्ट्रॉन जो है इस तक पहुंचेगा तभी जाके ये बल्ब ग्लो करेगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बच्चों, ठीक है। इस पूरे वायर के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे ही हमने बैटरी से इस स्विच को ऑन कर दिया बच्चों, स्विच को ऑन करते ही वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे कितने, तो यूनिट वॉल्यूम में कितने बताए थे, 10^29 इलेक्ट्रॉन बताए थे, तो यहाँ तो वॉल्यूम ज्यादा हो सकता था, ठीक है। चलिए, तो इतने इलेक्ट्रॉन मैं मान लेता हूँ, यूनिट वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ ड्रिफ्ट करते हैं, एक साथ अपहन गति करते हैं, तो सब क्या करते हैं, एक दूसरे को ठेली देना चालू करते हैं, ठेली तो समझते हो, ठेला धक्का देना चालू करते हैं, ठीक है। और धक्का देने के कारण क्या होता है, वो इफेक्ट कहां तक पहुंच पाता है,
यहां तक पहुंच पाता है, ये उसी समय जल जाता है। अब धक्का देने का मतलब क्या हुआ ये समझिए, जैसे यहां पर कोई रेस्टोरेंट है ना, और इस रेस्टोरेंट के लाइन लगी हुई बहुत बढ़िया, ऐसा कोई नामी गिरामी हो गया है ना, ऐसा कोई जयपुर का रेस्टोरेंट मान लो, और रावत की दुकान ही मान लेते हैं कि रावत वाला जो कचौरी वाला है उसकी दुकान के ऊपर भीड़ लगी पड़ी है, तो भीड़ को ये अपन ऐसा मान लिया कि ऐसे बहुत सारे लोग जो है वो लाइंड अप है, ठीक। तो ये वाला बंदा बहुत पीछे था और ये वाला उस कॉर्नर के ऊपर था, दीवार मतलब गेट पर ही था, ठीक। अब इस वाले बंदे को मतलब इस वाले व्यक्ति को यहां तक आने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ये फिक्स था, ठीक। लेकिन इसका इफेक्ट जो है वो वहां पर पहुंच सकता है, क्यों, क्योंकि अब जो लाइन के अंदर खड़ा हो तो सीधा तो खड़ा रहता नहीं, वो क्या करता था आगे पीछे धक्का, पीछे वाले से खुद धक्का खाता है, वो धक्का किसको देता है आगे वाले को देता है। तो अगर इसने वो धक्का लगाया किसके ऊपर, आगे के ऊपर, तो इसने अपने हाथ से अगले वाले को प्रेस किया कि ये जा भाई थोड़ा सा आगे जा। तो जैसे ही इसने आगे की ओर प्रेस किया वो धक्का किसको लगा, तो वो बोला इसको लगा, इसने धक्का खाया तो बोला कि मैं ये वाला धक्का आगे वाले को दूंगा, फिर ये धक्का इस वाले के पास में, फिर ये इसके पास में, फिर ये इसके पास में, इसके पास में, और ये धक्का इतनी जल्दी किसके पास में पहुंच जाएगा, इसके पास में पहुंच जाएगा। इसी इफेक्ट के ऊपर करंट काम कर जाती है बच्चों, ये सेम कॉन्सेप्ट चलता है कि वो जो पहला इलेक्ट्रॉन जो खिसका वो अकेला खुद नहीं खिसक रहा है, वो आसपास के बाजू वालों को और बोलता है खिसको, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा ही है कि वो टकराते तो जाते हैं लेकिन टक्कर के कारण एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को भी ठेली दे देता है, और वो कहां से गुजर जाते हैं, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से गुजर जाते हैं, ठीक है, जिससे वो ऑब्जेक्ट क्या करने लगता है उसी समय ग्लो या फिर फंक्शन करने लगता है। तो आप इसे कुछ ऐसा ही समझिए कि किसी तार के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा थी, जब उस तार को किसी बैटरी स्रोत से जोड़ दिया जाता है तो समस्त इलेक्ट्रॉन एक साथ कौन सी गति को प्राप्त करते हैं, अपवहन गति को प्राप्त कर लेते हैं। ये उसी प्रकार था जिस प्रकार किसी भरी हुई पाइपलाइन को पानी की सप्लाई और देने पर पानी तुरंत ही बाहर निकल जाता है, सेम उसी तरीके से तार से इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रवाहित हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को तो संभव है यहां तक आने में टाइम लगेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन पहले से इस छोर पे था उसको तो टाइम लगा नहीं ना, वो तो उधर ही पहुंच गया, वो तो उसके पास में दूरी नहीं थी, वो तो अंदर खिसक गया अंदर ही, ठीक। ऐसे वो जो इसकी जगह पर इसके पीछे वाला इलेक्ट्रॉन आ जाता है, उसकी जगह पर उससे पीछे वाला इलेक्ट्रॉन आ जाता है, इस तरीके से ये चीजें काम करती है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो विद्युत धारा कोई एक इलेक्ट्रॉन का प्रभाव नहीं है, वो समस्त इलेक्ट्रॉनों की अपवहन गति का प्रभाव है, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक। तो इस चीज को दिमाग में रखेंगे आप, ओके। चलिए अब इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में, वो बच्चों गतिशीलता है। क्या है, गतिशीलता। ये बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों, देखिए गतिशीलता क्या होती है, तो अगर मैं सामान्य भाग में बात करूं बच्चों गतिशीलता की, तो गतिशीलता किसी भी चीज की गति करने की क्षमता, किसी माध्यम में किसी भी वस्तु की गति करने की जो क्षमता होती है, एबिलिटी जो होती है, उसे उसकी क्या बोलते हैं, गतिशीलता बोलते हैं। इसे अगर अंग्रेजी में बोले तो इसे मोबिलिटी बोला जा सकता है, इसे मोबिलिटी भी बोलते हैं, ठीक है। द एबिलिटी टू मूव into any material is known as mobility, ठीक है। अब ये गतिशीलता हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं अभी तो अपन चालक को डिस्कस कर रहे हैं, चालक में कौन गति कर रहा है, तो आंसर है इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। तो हम अभी बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता की। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता क्या होगी, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का चालक के अंदर गति करने की क्षमता ही उसकी क्या होगी, गतिशीलता होगी। एक परिभाषा था तो ये हमारे पास में। चलिए अब गतिशीलता का लेना देना किससे है, तो आंसर है बच्चों विद्युत क्षेत्र से है। देखो अब समझो इस चीज को, विद्युत क्षेत्र और अपवहन जाल इन दोनों के मध्य संबंध है, तो हमने बोला कि हमें ज्ञात है, समझिएगा इस चीज को। हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है भाई, तो हमने बोला कि अभी थोड़ी देर पहले मतलब लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया, अपवहन चाल बराबर होता है E to डिवाइड बाय M into E, यही है। यहां पर कैपिटल E विद्युत क्षेत्र, E इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो
क्या रिलैक्सेशन टाइम है और एम क्या है द्रव्यमान है। रिलैक्सेशन टाइम को हिंदी के अंदर क्या बोलेंगे बच्चों अपन, विश्रांति काल बोलेंगे। ओके और ये अपन चाल हो गया। ये द्रव्यमान किसका, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। यहाँ पर जब हम गतिशीलता पढ़ते हैं तो गतिशीलता की परिभाषा दी जाती है कि किसी चालक हेतु इलेक्ट्रॉनों की अपवहन चाल एवं विद्युत क्षेत्र के परिमाण का अनुपात ही गतिशीलता होती है। वापस से समझ लीजिए, किसी चालक हेतु इलेक्ट्रॉनों की अपवहन चाल, चाल बोल रहा हूं ये बात ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रॉनों की अपवहन चाल एवं विद्युत क्षेत्र के परिमाण का अनुपात ही क्या कहलाती है, गतिशीलता कहलाती है। ये वाली चीज, ये गतिशीलता है। और यहां से अगर इस चीज को देखोगे तो ये किसके बराबर आ रही है, गतिशीलता को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये गतिशीलता का फॉर्मूला हो गया बच्चों, ये चीज ध्यान रखिएगा। गतिशीलता बराबर वी डी बटा ई भी होता है, गतिशीलता बराबर ई टू डिवाइडेड बाय एम भी होता है। चलिए यहां से मैं इस गतिशीलता की एक और परिभाषा बना सकता हूँ। एक परिभाषा तो क्या हो गई, अपवहन चाल एवं विद्युत क्षेत्र का परिमाण का अनुपात गतिशीलता होती है। दूसरा फॉर्मूला मतलब दूसरी डेफिनेशन, इसी से ही दूसरी डेफिनेशन अगर हम देखें तो हम बोलेंगे कि यदि किसी चालक के सिरों के मध्य एकांक विद्युत क्षेत्र मतलब 1 न्यूटन पर कूलाम का विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाए तो उस स्थिति में चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अपवहन चाल ही किसको प्रदर्शित करेगी, इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता को प्रदर्शित करेगी। वापस से, किसी चालक में एकांक विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अपवहन चाल ही गतिशीलता को प्रदर्शित करती है। ये चीज भी दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट, इस गतिशीलता का मात्रक क्या होगा, तो अपने मात्रक देखा। चलो वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि अपवहन चाल का मात्रक क्या होगा या अपवहन वेग का मात्रक क्या होगा, बच्चों सिंपल सा था, वेग है मीटर पर सेकंड, चाल है मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो मीटर पर सेकंड होगा उसका मात्रक। चलिए यहां से देखते हैं गतिशीलता का मात्रक, आप यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए तो यहां से अगर मैं देखूं तो इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये ई इलेक्ट्रॉन का आवेश ही तो है, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, कूलाम। फिर ये तो विश्रांति काल, विश्रांति काल मतलब समय, समय है तो इसका मतलब ये किसमें नापा जाएगा, सेकंड के अंदर नापा जाएगा। तो कूलाम गुणा सेकंड, एम द्रव्यमान, द्रव्यमान को किसमें किलोग्राम के अंदर, ये तो है ना। तो अब इस चीज को समझिए, इस चीज में क्या होगा, कूलाम का सी, सेकंड का एस और किलोग्राम का क्या केजी, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये मात्रक है किसका, कूलाम सेकंड प्रति केजी, किसका मात्रक है बच्चों, गतिशीलता का मात्रक है। इस चीज को ध्यान में रखें, ये दिमाग में रह जाएगा। यहां से और क्या मात्रक निकाल सकते हैं, तो इसका दूसरा मात्रक अगर आप समझें तो दूसरा मात्रक जो है वो यहां से मीटर पर सेकंड, तो ये हो गया है ना मीटर प्रति सेकंड, तो ये और विद्युत इसका वोल्ट पर मीटर लिख देता हूं, तो मीटर कहाँ चला जाएगा, ऊपर हो जाएगा, तो मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड जो है वो भी किसका मात्रक है, गतिशीलता का। अब न्यूटन पर कूलाम से भी बना सकते थे, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, ये तो परिभाषा वाला पार्ट हो गया, क्या गतिशीलता एक, अब ऐसे बात कर लेते हैं कि ये कोई नियतांक की भांति व्यवहार कर सकता है। आंसर है गतिशीलता वास्तविकता में चाल को हेतु नियत ताप पर, एक निश्चित चालक हेतु नियत ताप पर किसकी भांति व्यवहार करता है गतिशीलता, आंसर है एक नियतांक की भांति व्यवहार करता है। ये एक तरीके का नियतमान है बच्चों, लेकिन नियतमान होने के लिए कंडीशन अप्लाइड है, क्या कंडीशन अप्लाइड है, आंसर है चालक एक ही होना चाहिए। जिस चालक की बात करें, अगर मैं चांदी की बात करूं तो चांदी ही बात करेंगे, ठीक है। तांबे की बात करें तो तांबे के लिए गतिशीलता एक ही होगी, लेकिन नियत ताप पर, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। इसका मतलब ये है कि नियत ताप, समझना इस चीज को, नियत ताप तथा नियत पदार्थ हेतु, एक ही पदार्थ हेतु गतिशीलता भी
एक नियतांक होती है। इसका मतलब यह है कि गतिशीलता जो है वो वास्तविकता में ताप और पदार्थ के ऊपर निर्भर करती है। जैसे जैसे ताप चेंज करते जाओगे इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता चेंज होती जाएगी। पदार्थ अलग अलग पदार्थों के लिए गतिशीलता अलग अलग हो सकती है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ये दिमाग में रहेगा। चलिए अब ये थोड़ा ताप वाला फैक्टर समझ लेते हैं कि ताप पे क्यों बोला गया, भाई ताप का क्या लेना देना। तो ताप का लेना देना डायरेक्ट गतिशीलता नहीं, गतिशीलता में उपयोग में आने वाले विश्रांति काल से है। जब आप गतिशीलता पढ़ते हैं तो आप E टू डिवाइड बाय M के फॉर्मूले को भी तो यूज करते हो, ठीक। यहाँ पर E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, नियतमान है, M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, नियतमान है, लेकिन टो विश्रांति काल, बच्चों विश्रांति काल ताप पर निर्भर करता है, ये ध्यान में रखिएगा। किस तरीके से निर्भर करता है तो समझिए, विश्रांति काल क्या था, परिभाषा के ऊपर चलो। परिभाषा क्या बोली है कि दो क्रमागत टक्करों के बीच में लगा समय, ठीक है। अब समझिए, ये इलेक्ट्रॉन पर ऐसा मान दिया, ठीक है, और इन इलेक्ट्रॉनों के बीच में जब कोई भी इलेक्ट्रॉन गति कर रहा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन किससे टकराएगा, तो या तो वो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा सकता है या फिर वो किसी धनायन से टकरा सकता है। धनायन क्यों बोला अपन ने, तो समझिए कि जब मैं सोडियम की बात करता हूं और सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है तो वो सोडियम कौन सा आयन बनाता है, धनायन तो बनाता है। तो चालक क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग ही तो करते हैं। इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे तो वो वास्तविकता में क्या बनाने की कोशिश करेंगे, धनायन बनाने की कोशिश करेंगे। तो या तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा सकता है या फिर वो धनायनों से टकरा सकता है, ठीक है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन सामान्य परिस्थिति में इन इलेक्ट्रॉनों या धनायनों से टकरा सकता था, ठीक, लेकिन अगर यहां पर उसी चालक को गर्म कर दिया जाए, उसका तापमान बढ़ा दिया जाए, तो क्या होगा, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो सारे के सारे ताबड़तोड़ गति करने लगेंगे। ताबड़तोड़ का मतलब क्या हुआ, पता ही नहीं चल रहा कहां भागना है, बस भागना है हमें तो, ठीक है, कुछ ऐसा है, एक इधर जा रहा 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 है, बस लगातार भाग रहे हैं, ठीक। अब ऐसे चक्कर में क्या हुआ, टक्करों की संख्या घटी या बढ़ गई, सोचो टक्कर बहुत जल्दी होने लग गई है। जहां पहले एक टक्कर के अंदर 5 सेकंड का टाइम लग रहा था, अब टक्कर इतनी जल्दी हो गई कि अब एक टक्कर के अंदर 2 सेकंड का ही टाइम लग रहा है, ठीक है, 1 सेकंड का ही टाइम लग रहा है। तो इस केस के अंदर क्या हुआ, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता गया बच्चों, टक्करों की संख्या बढ़ती गई, टक्करों की संख्या बढ़ती गई तो दो टक्करों के बीच में लगने वाला औसत समय घटता गया। समझ रहे हैं इस चीज को, औसत समय घटा तो घटा तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मोबिलिटी भी कम दिख जाएगी, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये तापमान पर भी निर्भर करता है, टक्करों की संख्या बढ़ने पर औसत विश्रांति काल में कमी आती है, ठीक है, ये दिमाग में रखेंगे। तो तापमान पर क्यों निर्भर करता है, क्योंकि विश्रांति काल तापमान पर निर्भर करता है, ये ध्यान में रखो, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या भाई, मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रॉन और होल्स अर्धचालक के अंदर धारा इन्हीं के कारण गति है। अभी तो अपने पूरे चैप्टर में तो अपन चालकों की बात करेंगे, लेकिन एक चैप्टर आएगा जहां अपन को होल्स भी पढ़ने पड़ेंगे। होल्स क्या चीज है तो ये बात ध्यान में रखना, इलेक्ट्रॉन की रिक्तता ही होल्स बनाती है। अर्धचालकों में क्या होता है बच्चों, जहां से इलेक्ट्रॉन छोड़ करके भग जाता है ना, वहां पर संयोजी बैंड के अंदर एक होल क्रिएट हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन चला गया, वहां से चला गया तो वहां पर एक खाली गोला बन जाता है। वो जो धनावेश की भांति व्यवहार करता है ना, उसके पास में आवेश कैसा होता है, प्लस का होता है, इलेक्ट्रॉन के पास में कैसा होता है, माइनस का। तो इलेक्ट्रॉन छोड़ करके भग गया, तो छोड़ करके भगा तो वो चीज तो धनावेश ही तो जाएगी ना, जिससे बाहर निकला वो, ठीक है। तो ये जो होल्स होते हैं ना बच्चों, होल्स, ये होल्स संयोजी बैंड में होते हैं। कौन से बैंड में होते हैं, संयोजी बैंड में, ये बात ध्यान रखिएगा। और कैसे होते हैं, आंसर है धनावेश, इलेक्ट्रॉन के तुल्य धनावेशित होते हैं। अर्धचालकों की बात कर रहे हैं, चालकों की नहीं बात कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखें, चालकों को भी थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। फिर इलेक्ट्रॉन्स, अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन्स जो है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जो है, वो कौन से बैंड में जाते हैं, चालन बैंड में जाते हैं। और कैसे होते हैं, ऋणावेशित होते हैं प्रकृति। और ये बात ध्यान रखना, मोबिलिटी हमेशा धनावेशित होती है, परिमाणी है ये, ठीक है, ये कभी ऋणात्मक नहीं देखोगे आप, मोबिलिटी कभी भी, गतिशीलता कभी भी माइनस की नहीं होती है, ठीक है।
चलिए, तो अब यहां पर ये और पूछा जाता है कि होल्स की गतिशीलता ज्यादा होती है या इलेक्ट्रॉन्स की गतिशीलता ज्यादा होती है, किसी अर्धचालक में होल्स की गतिशीलता ज्यादा होती है या फिर इलेक्ट्रॉन्स की गतिशीलता ज्यादा होती है। तो देखो बच्चों, दोनों के लिए फॉर्मूला तो गतिशीलता का म्यू का यही है, ई टू डिवाइड बाई एन, दोनों के लिए फॉर्मूला यही। लेकिन ये बात ध्यान में रखिए, थोड़ा ध्यान में रखने लायक बात है कि इनका प्रभावी द्रव्यमान, इनका प्रभावी द्रव्यमान होल्स का प्रभावी द्रव्यमान जो है वो ज्यादा होता है किसकी तुलना में, इलेक्ट्रॉन्स की तुलना में इनका प्रभावी द्रव्यमान ज्यादा होता है, कुछ जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, इस चीज को ध्यान रखिए। आगे अपन इसको और भी कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं समझाने की दृष्टि से, लेकिन अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि होल्स का प्रभावी द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की तुलना में ज्यादा होता है। अगर द्रव्यमान ज्यादा है तो होल्स की गतिशीलता कम हो जाती है, इसका मतलब ये है कि होल्स के लिए गतिशीलता कम है और इलेक्ट्रॉन्स के लिए गतिशीलता क्या होती है, ज्यादा होती है। सामान्य ताप पर मतलब 300 केल्विन ताप के ऊपर बच्चों होल्स की गतिशीलता लगभग 475 होती है और इनकी लगभग 1500। मात्रक आपको बताई है क्या लगाना है, अभी अपन ने इसको क्या बोला था, कूलाम सेकंड प्रति किलोग्राम, ये लगा लीजिएगा दोनों का मात्रक। तो ये एक जनरल सी क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल किया हुआ है तो उसमें ये पता चलता है कि इसकी लगभग इतनी होती है, इसकी लगभग इतनी होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स की गतिशीलता ज्यादा होती है। इसे दूसरा समझने का तरीका क्या है, तो होल्स जो है वो संयोजी बैंड में है और संयोजी बैंड के अंदर नाभिक का आकर्षण बल प्रभावी होता है या नाभिक का प्रभुत्व ज्यादा होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चालन बैंड में है। चालन बैंड वाला इलेक्ट्रॉन तो मुक्त होता है बच्चों, मुक्त होता है तो उसके ऊपर नाभिक का कोई बल नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब है इसके ऊपर मतलब इन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर नाभिक का कोई ऐसा कोई आकर्षण बल है नहीं, ये स्वतंत्रता पूर्वक क्या कर पाते हैं, पदार्थ में गति कर पाते हैं। जबकि इनके ऊपर होल्स के ऊपर किसका प्रभाव होता है, परमाणु में उपस्थित नाभिक का प्रभाव होता है, जिसके कारण वह आसानी से गति नहीं कर पाता, आसानी से गति नहीं कर पाता है, इसलिए उनकी गतिशीलता भी कम है, या आसानी से गति कर पाते हैं इसलिए उनकी गतिशीलता ज्यादा है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपके ये समझ में आया होगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था गतिशीलता। अब जो नेक्स्ट अपन डेरिवेशन वाले पार्ट पे आएंगे तो वो तो मेरे को पता है आप लोगों के लिए हमेशा से सिंपल रहा है, वो रहेगा भी, लेकिन थ्योरी के कॉन्सेप्ट को समझते चलिए, ठीक है। चलिए, हैव अ गुड डे बच्चों, टेक केयर।